गुड आफ्टरनून नाजरीन। जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो हर किसी सेगमेंट पे बात करती है, तो आज हमने सोचा कि इंटरटेनमेंट पे बात करें। तो इस सिलसिले में हमने दावत दी है फरहाना भट्ट को, जो एक हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने लैला मजनू में काम किया है। तो आज इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछते हैं, उन जो इन्होंने एक्ट किया है, जो इनकी फ्यूचर प्लानिंग है, उसके बारे में कुछ पूछते हैं। फरहाना जी, जो आपने एक्टिंग ही चूज़ की, बीइंग ए कश्मीरी, आपने एक्टिंग ही चूज़ की, तो क्या फ्यूचर लगा आपको एक्टिंग में? बेसिकली ऐसे कश्मीर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि आप ऐसे आउट द बॉक्स कोई करियर चूज़ करो, बट जब आपको फील मिलता है एंड यू हैव ए टैलेंट, आपका मतलब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो वो समझती है कि यू हैव सर्टन एस्पायरेशंस, तो उस चीज़ में आपको आगे ले जाती है, देन आई थिंक कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है। लेकिन सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है कि एज ए कश्मीरी आप बॉलीवुड में जा रहे हो, देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको पे सवाल उठते हैं, लोग मतलब सोचते हैं कि आपने एज ए कश्मीरी कैसे स्टेप लिया, दूसरे भी करियर ऑप्शन थे, व्हाई डिड यू चूज़ दैट। तो वो एक इंसान को टैकल करने का तरीका रहना चाहिए कि इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द सोसाइटी, एंड लाइक आपको एज ए कश्मीरी कोई पूछे कि आपने क्यों ये चूज़ किया, तो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो अहेड विद द करियर एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो आई थिंक फिर कोई मुश्किल नहीं रहता। एंड बेसिकली जब बॉलीवुड जैसा कोई करियर चूज़ करोगे, तो आई थिंक जैसा मुझे लगता है एंड जैसा मैंने किया, कि आपको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि एज यू नो कि आपको आगे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उल्टे सीधे हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए, देन आई थिंक इट्स यू आर गुड टू गो विद इट। लाइक आपने बताया कि मेंटली मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को, या आपने प्रिपेयर किया है अपने आप को, तो अभी तक क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि कहीं कई लोगों ने आपको बताया कि आपने बॉलीवुड क्यों चूज किया, आपने एक्टिंग क्यों चूज की, सम काइंड ऑफ हैरासमेंट? एक्चुअली सोशल मीडिया पे स्टार्टिंग में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला, जब लैला मजनू रिलीज हुई थी तो अलॉट ऑफ पीपल, बट ऐसा भी है कि काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, काफ़ी लोग खुश भी होते हैं, बट अलॉट ऑफ पीपल केम अप लाइक कि वी आर डूइंग दिस एंड यू नो अलॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, एंड आफ्टर सर्टन कुछ कश्मीरी आर्टिस्ट ने जिनने बॉलीवुड छोड़ दिया या क्विट किया बॉलीवुड, उसके बाद तो ज़्यादा ही फेस करना पड़ा मुझे भी एंड ऑफकोर्स बाकी जो कश्मीरी आर्टिस्ट थे, कि इफ़ सर्टन पीपल लेफ्ट द बॉलीवुड, वाई आर नहीं आप क्यों नहीं बॉलीवुड छोड़ रहे हो, उनका भी रीज़न रहा होगा, बट देन मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई भी किया था कि हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हाँ किसी का अपना इंटरेस्ट होता है, शी सर्टन लोगों को एक्टिंग में कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट था, फिर नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट बिकॉज किसी ने कुछ और चूज़ किया, तो डजंट मीन कि हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। लाइक मैंने एक्टिंग में बहुत मेहनत की है, एंड बाकी कश्मीरी आर्टिस्ट ने भी, ऑडिशन में जाना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, बहुत स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक रोल के लिए चूज़ होने के लिए, तो आफ्टर वो सब करने के लिए फिर कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप क्विट क्यों नहीं कर रहे हो, आई डोंट थिंक वो चीज़ इफेक्ट करेगी। अच्छा, हम बताइए कि एक्टिंग करियर आपने कहाँ से शुरू किया और क्या दिलचस्पी आई आपको, किस को देखकर आपको दिलचस्पी आ कि मुझे ही एक्टर बनना है? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से मैंने कभी नहीं सोचता मैं एज एक्टर बनूंगी, मैं बहुत मतलब डेस्परेटली एक ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, तो बहुत स्टार्टिंग से बचपन से ही मेरा ये था कि मैं जर्नलिज्म चूज़ करूँगी, बिकॉज और ये भी था मेरा कि आई वुड गो फॉर इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरिंग, बिकॉज हर कोई जा रहा था डॉक्टर के लिए, इंजीनियरिंग, तो मेरा ये था कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ लाइफ में, तो दैट वाज जस्ट कि न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ मैं, एंड आई वाज लाइक मैंने लगभग 10th मैंने पास किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट से कॉन्टैक्ट रखा था इस चीज़ को लेके कि मैं आगे जर्नलिस्ट बनूंगी, आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल, इनफैक्ट मैंने बैचलर्स भी अपना मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में ही किया है, बट इन 2016 मैंने 2015 एक्चुअली एक दो एड्स में मैंने काम किया था, एडवर्टीजमेंट में, उनमें से एक रीजनल था, तो 2016 में फिर एक बॉलीवुड मूवी आई, छोटी मूवी थी, तो उसमें मुझे रोल मिला एक विद नो डायलॉग्स, बट आई वॉज इन द सीन एंड आई वॉज एज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मेन कास्ट, तो दैट टाइम आई थॉट लिटरली कि चलो शायद किस्मत से मिल गया, एवरी डे इज़ नॉट संडे, तो शायद आज मिल गया कल नहीं, आई वॉज ऑफ दैट टाइम इतना मैं सीरियस नहीं थी इस चीज़ को लेकर कि मैं इसको एज ए करियर परस्यू करूँगी, then it happened in 2017 actually when लैला मजनू का ऑडिशन हो रहा था, तो मेरे कुछ प्रोडक्शन जो लाइन प्रोडक्शन है, किंग जेट प्रोडक्शन जो थी उनकी, तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जो कास्टिंग वगैरह देख रहे थे,
तो दे टोल्ड मी कि वाशली यू शुड ट्राई इन इट, तुम ऑडिशन दे दो. तो मैंने ऑडिशन दे दिया बट आई वाज नॉट श्योर कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, बट विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मैं सिलेक्ट हो गई. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लैलो विष्णु में, क्योंकि काफी बड़े एक्टर्स से उन्होंने काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था एंड बिकॉज मेरी पहली मूवी थी एंड वो भी ऐसे साजिद अली सर के साथ काम करना, इम्तियाज़ सर के साथ काम करना, पहली मूवी में ऐसे सपोर्टिंग कास्ट बहुत बड़ी बात होती है. एंड फिर भी जो उसके लीड्स थे, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल ऑल्सो, देवर उनका भी डेब्यू मूवी था बट देवर ऑल्सो वेरी सपोर्टिंग. उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, क्रू काफ़ी अच्छा था, एडीज काफ़ी सपोर्टिव थे. ऐसा मतलब दिन नहीं हो कि कश्मीरी है, दे हैव टैलेंट एंड काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, बहुत बड़ी बात है उनके लिए एंड दे वर सपोर्टिंग दैट वे. जैसे आपने बताया थे कि कुछ लोगों ने नाम अपने लिया नहीं, कुछ लोगों ने बॉलीवुड को बाय बाय कर दिया था, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे काफ़ी ज़्यादा आगे, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही किया था छोड़ के इस मुकाम पर पहुँच के? देखिए मैं किसी के पर्सनल चॉइस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगी बट everyone was asking me कि आपको क्या लगता है आप उसके डिसीजन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो. शी डिड इट वेरी वेल, शी चूज्ड द रिलीजन अबव ऑल. ओके, तो आप भी एक मुस्लिम हो तो आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो? तो आपने ज़्यादा मुझे सवाल ऐसे आ रहे थे कि आपने ज़ायरा वसीम से क्या सीखा. तो एज मतलब पर्सनली मैंने अभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कहीं पे. सो बिकॉज आप पूछ रहे हैं तो आई शुड से कि इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू शुड बी स्पेसिफिक विद योर इंटरेस्ट एंड एट द सेम टाइम आपको किसी प्रोफेशन को डिसग्रेस नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज आपका ऑन टाइम इंटरेस्ट चेंज हो रहा है. दैट डजंट मीन यू विल डिसग्रेस एनी प्रोफेशन एंड फॉर हैवन्स सेक आई थिंक प्रोफेशन चाहे डॉक्टर का हो या एक्टर का हो, ऑलवेज प्रोफेशन को रिलीजन से दूर रखिए. क्या क्या हॉबीज रखते हैं आप जब आपका खाली टाइम होता है? वैसे कि मेरे इन दिनों तो मेरे खाली टाइम में आई लाइक टू डांस. डांस इज माई मतलब टॉप मोस्ट हॉबी एंड उसके अलावा आई एम वेरी म्यूजिक फ्रीक. लाइक म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, हर किसी टाइप का एक्सेप्ट मतलब सैड में बहुत कम सुनती हूँ. तो म्यूजिक एंड डांसिंग आई थिंक दीज आर टॉप हॉबीज ऑफ माइन. मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि फरहाना जी ने लेटेस्ट मूवी जो इनकी है लैला मजनू, जो इन्होंने पहले बताया था, उसके कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे. ये आप विजुअल्स देख सकते हैं जो उन्होंने काम किया था उसमें, आप विजुअल्स देख लीजिए. तेरी तो कैसमार्ट की गाड़ी लग रही है. कैसबर्ट? तेरे पीछे कैसबर्ट लग गया. हाय हाय हाय, मैं कौन ये कैसबर्ट? तू कैसबर्ट को नहीं जानती? शालीमार होटल गुलाम सरवर उसका बेटा है ये. क्या? मशहूर पागल है शहर का, बड़ी खतरनाक रेपुटेशन है इसकी. सो फरहाना जी देखिए, हमने यहाँ पर आपके जो विजुअल्स है, जो आपने काम किया था, काफी टफ होता है एक्टिंग करना, तो कैसे मैनेज किया आपने ये इस रोल को? लाइक फ्रेंड थी लैला की, कैसे मैनेज किया ये सब आपने? बेसिकली आई सेड कि एक्टिंग इज़ वेरी टफ. इस मैं कुछ कहना चाहूँगी कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वट इज़ द टफेस्ट थिंग विद अ एक्टर, कि जब आप इन अ फैमिली या फ्रेंड्स में कुछ बोलते हो किसी को या फिर इफ़ यू एक्ट अ बिट डिफरेंट, तो देसी है तुम वो एक्टर हो, तुम्हारा सब काम ही यही है. बट दे डोंट नो, मतलब आई थिंक एक्टिंग इज सो डिफिकल्ट, यू हैव टू गेट इन टू अ डैम कैरेक्टर. अब वो कैरेक्टर अपनाना पड़ता है तब जाके आप वो चीज़. एंड इफ यू हाँ तुम तो झूठ बोलो कि तुम तो एक्टर हो, इट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. अच्छा आपका रोल मॉडल कौन है? वेल जहाँ तक रोल मॉडल की बात है, आई ऑनेस्टली थिंक मैं अपनी खुद रोल मॉडल हूँ एज फार एज आई हैव सीन, आई हैव विटनेस्ड माई जर्नी. तो आई थिंक आई एम माई रोल मॉडल. ओके, आखिर मैं आपसे सवाल पूछेंगे, जो कि कश्मीरी लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, यूथ क्या अगर हम बात करें, जो मतलब एक्टिंग में आना चाहते हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, खैर आपको तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपको कि कैसे हो जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म वो चूज़ करे? क्योंकि इसमें देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन भी होती है एक्टिंग में जाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होते हैं बंदे, तो उनको कौन सा ट्रैक पकड़ना चाहिए? वन थिंग आई टेल यू कि नो डाउट इन यू नो, जैसे आप जानते कि बॉलीवुड में जो ज़्यादा बात चल रही है अबाउट नेपोटिज्म, मिस यूज़ भी होता है एक्टर्स का, सच्ची बात है.
एंड कभी कभी तो कुछ एक्टर्स मतलब आधे रास्ते में अपनी जर्नी छोड़ते हैं किसी ना किसी चीज़ से, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं दिल। बट आई टेल यू वन थिंग कि इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जो टैलेंट की बहुत कदर करते हैं। इट्स ओनली थिंग यू हैव टू सी कि आपको किस बंदे को अप्रोच करना है। अप्रोच इन द सेंस ओनली इफ़ यू हैव द टैलेंट, बिकॉज टैलेंट की बहुत बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री में, बिकॉज टैलेंट ही है जो आपको सस्टेन कराएगा इंडस्ट्री में, नो डाउट। अगर फॉर इंस्टेंस आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ योर लुक्स, बिकॉज ऑफ योर आई मीन लुक्स अगर आप आगे जाते हैं, बट फिर भी आपको आप लुक्स के बेस पे सस्टेन नहीं कर सकते। यू हैव टू सस्टेन ऑन द बेस ऑफ योर टैलेंट, दैट्स एक्टिंग। तो अगर आप में वैसा पैशन है और आप में एक्टिंग स्किल्स हैं, आप में टैलेंट है, तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे, बट यू हैव टू चेक ऑन कि आप किसी गलत रास्ते से ना जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ फरहाना भट्ट, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और एक्टिंग में कैसे आई है। तो इंशाल्लाह ताला दूसरे प्रोग्राम में एक नए मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।